बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम। इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तकसीम बंगाल 1905 और शिमला वक्त 1906। सबसे पहले तकसीम बंगाल 1905। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से सबसे बड़ा था। यहाँ का इक्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वायसराय थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे को इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी, और यही वजह थी जो कि तकसीम बंगाल का नतीजा बनी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, मशरक़ी और मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल मुस्लिम अक्सरियती सूबा था, जबकि मगरबी बंगाल हिंदू अक्सरियती सूबा था। तकसीम बंगाल से हिंदू और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान खुश थे, जबकि हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। मुसलमान क्यों खुश थे? क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो कि एक नया सूबा बन गया था, और इसकी वजह से मुसलमानों की एक आज़ाद अलग रियासत सूबा बन चुका था, और मुसलमान उसमें आज़ादी से गुजर बसर कर सकते थे। लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यानी वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो किसी तौर पर भी उनके अजारादारी से बाहर निकलें, उनके गलबे से बाहर निकलें। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया, और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया, और इस सिलसिले में उन्होंने एक तहरीक शुरू की जो कि अदम ताउन की तहरीक कहलाती है। इस तहरीक के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ माल के बायकॉट का ऐलान कर दिया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गईं, और वो तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई, और इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। सेकेंड टॉपिक है शिमला वफ्त 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। अब वो रास्ता क्या था? रास्ता ये था कि 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ्त सर आगा खान की सरबराही में अपने मुतलबात लेकर वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला।